आज राजद के वरिष्ठ नेता खटाल प्रकोष्ठ के राजद के प्रदेश अध्यक्ष गौरी शंकर जी, गौरी जी आपको पब्लिक 24 में स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार, जोहार आपको भी। होली के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को अपने तहे दिलों से हार्दिक शुभकामना देता है। अभी जो सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है मामला, जैसे आपके एक प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी किए कि नहीं, कांग्रेस अपना मतलब समझता है कि सीट नहीं दे रहा है चतरा, और इसके लिए जो चल रहा है अभी पलामू चतरा का, उसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, कहीं कोई विवाद नहीं है, सब शांतिपूर्ण, जो आपको देखने में लग रहा है सब सुलझ जाएगा। उसके लिए हमारे नेता और गरीबों की मसीहा माननीय लालू यादव और तेजस्वी जी खुद सक्षम है इस विवाद को सुलझाने का, कोई विवाद नहीं है। हम लोग कांग्रेस, आरजेडी, माले, कांग्रेस, हम लोग सभी मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं, आप भी साथ में है, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, पूरे देश से हम लोग भगाएंगे और संविधान हम लोग बचाएंगे। ये कल का न्यूज है कि अरविंद केजरीवाल जी भी अरेस्ट हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा भयभीत है, उसको पता है चुनाव हारने जा रहे हैं, मोदी जी अमित शाह जी को पता है, पूरे पब्लिक समझे चाहे नहीं समझे, अमित शाह जी समझ रहे हैं, मोदी जी समझ रहे हैं, डर से चाह रहे हैं कि विपक्ष को किसी भी तरह ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से किसी भी तरह केस में फंसाकर अंदर किया जाए, नहीं तो इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाएगी, आने के बाद हम लोग जेल में रहेंगे। अपना बचाव के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन देश की जनता समझ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे सभी राज्य से उखाड़ फेंकेगी। यहाँ एक नारा आपके ही अलायंस के सुबोध कांत सहाय जी हैं, वो चला है कि सुबोध लाओ और एचईसी बचाओ, उस पर क्या वो संभावित उम्मीदवार हैं या उम्मीदवारी हो चुकी है, कुछ आप इसके बारे में? देखिए, ये तो एचईसी का नारा है कि सुबोध लाओ एचईसी बचाओ, लेकिन पूरे देश का नारा है कि भारतीय जनता पार्टी हटाओ, संविधान बचाओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, गरीब गुरुआ के अधिकार दिलाओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश में जाति आधारित जनगणना कराओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश में जो बेरोजगारी बढ़ा हुआ है उस बेरोजगारी को मिटाओ, भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, जितने देश में खाली सीट है उस सीट को भरो, भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, और जितने भी सरकारी संस्था बिक रहा है पूरे देश में, कल कारखाना बंद हो रहा है, उस कल कारखाना को बचाओ, भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं। बाप रे बाप, ये तो बड़ा भारी बयान दे दिए, बोल रहे हैं कैसे आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, यहाँ तो मोदी जी का गारंटी चल रहा है, हर चीज़ चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब कुछ चल रहा है। अभी उनका तो गारंटी है, हम खुसर में मान रहा हूँ उनका गारंटी है, मणिपुर में बहु बेटी के साथ चिरहरण हुआ, ये मोदी जी की गारंटी है। उत्तर प्रदेश में हथरस में आप देखे थे किस तरह से हत्या किया गया महिला को, और योगी सरकार किस तरह से बचा रही थी, ये सब मोदी जी के ये गारंटी है। महंगाई तीन गुना बढ़ा हुआ है, ये मोदी जी की गारंटी है। जितने भी देश में भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, बहु बेटी की इज्जत लूट रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं,
यही मोदी जी की गारंटी है। आज देश के युवा नौकरी नहीं मिलने से दर दर भटक रहे हैं, यही मोदी जी की गारंटी है। देश में किसान 750 किसानों का हत्या हो गया, काला कानून मोदी जी लाए थे। और पहले पाकिस्तानी खालिस्तानी कई तरह का भाषा बोले, उसके बाद मोदी जी ने किसानों से माफ़ी मांगे, यही मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी का यही सब गारंटी है। जितने देश में भ्रष्टाचार है, यही मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरा गारंटी है अगले बार आएंगे तो जो भी बचा हुआ है, जो भी कहीं कोई, तो सबको माने ख़त्म कर देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, यही हमारा गारंटी है। आरक्षण को समाप्त कर देंगे, यही गारंटी है। लेकिन मोदी जी में हिम्मत नहीं है कि संविधान को समाप्त करेंगे और आरक्षण को समाप्त करेंगे। आरक्षण और संविधान को समाप्त करने में और जाति आधारित जनगणना लागू नहीं कर रहे हैं। ओबीसी के लोगों को भी मांग है कि जो जाति आधारित जनगणना कराएगा ओबीसी को मान सम्मान देगा, हम लोग वोट उसी को देंगे। इसी तरह से जितने भी देश में गरीब गुरुआ हैं, सबका मांग वही है कि अब नहीं चलेगा कुछ धांधली, अब विकास, सिर्फ देश को विकास चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, जो रोजी रोजगार की गारंटी देगा। ये गारंटी है महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। राहुल हमारे राहुल गांधी जी बोले हैं कि हम आएंगे, जितने भी खाली पद है पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहाली नहीं निकला है, उस बहाली को हम लोग कराएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी सेना में जो लोग बहाली होते थे 4 साल घटा के किया गया है, उसको हम लोग फिर बढ़ाकर उनका पहले का जो निर्धारित समय है उस समय को फिर से पूरा किया जाएगा, हम लोग लागू कराएंगे। महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का जो सपना है, संकल्प है, ये सपना इस बार हम लोग पूरे देश का ये सपना है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी देश में तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, किसी भी हद तक जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, लेकिन उसका जो मंशा है राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी, गरीबों के मसीहा माननीय लालू यादव जी, उस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। और हम लोग पूरे देश भर के इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। कैसे कर रहे हैं सर, 400 पार बोल रहे हैं बीजेपी के लोग और मोदी जी भी बोल रहे हैं 400 पार इस बार होगा, 400 से पार होगा, आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि पूरा जनता साथ है, राम जन्मभूमि बाब जो भी हुआ और सब जितने हुआ उसमें तो बोल रहे हैं कि 400 पार होगा, इसमें आप कैसे कर रहे हैं? आप ही काम गिनाइए, विकास पर बात कीजिए। मोदी जी देश में कितना विकास किए हैं, पूरे देश को डुबा कर रख दिए, 53 लाख 38 करोड़ भारतीय जनता पार्टी का जो चंदा आया है कई कंपनियों द्वारा, उस चंदा को भारतीय जनता पार्टी का की, जो जनता का पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्त को चंदा के माध्यम से उसको ठीका देकर, कंपनी उसका हाथ में देकर और उससे चंदा वसूल रही है। और पूरे देश के जनता भूखे पेट सोने के लिए तैयार है, गरीब गुरुआ के थाली में रोटी नहीं है, दाल नहीं है, नमक नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर ऐश मौज कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन उनको चिंता कहाँ है गरीबों के ऊपर, गरीब के जो भूखे पेट सोने के लिए तैयार हैं उनके ऊपर। लेकिन सर एक चीज़ है, राहुल जी का तो जैसे अभी एक मामला आया था शक्ति वगैरह पर, कुछ ऐसा कुछ आया था कि उस पर भी उनका कड़ा बयान आया उनका प्रधानमंत्री जी का। दूसरा में कमल खिलाने, आपका ये झारखंड का ले लीजिए, झारखंड में दीपक प्रकाश जी जगह जगह जा रहे हैं, बोले कोई माइकल लाल नहीं है कि 14 सीट रोक पाएगा हमारा, इस तरह से वो बयान दिए हैं दीपक प्रकाश जी।
क्योंकि लोकसभा के कमेटी के हैं, हर जगह जा रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए दीपक प्रकाश जी बहुत समझदार हैं, समझ कर बात बोले हैं कि कोई माई का लाल नहीं है, हैं? बीजेपी को हरा पाएगा, नहीं, तो नहीं, सीट रोक पाएगा। एक भी सीट बोल दिए हैं कि एक भी सीट 14 सीट में बीजेपी को आने वाला नहीं है। कोई माई का लाल नहीं है कि बीजेपी को 14 सीट दिला सकता है। उनका कहनाम बिल्कुल सही है, समझे, कहनाम गड़बड़ नहीं है, उनका हम लोग समर्थन में है। और भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, उनके जितने केंद्रीय नेतृत्व हैं, चाहे जो लोग भी हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार इंडिया के पार, मैं देश के वो पार, मोदी जी देश छोड़ के भागने वाले हैं, अमित शाह जी भी देश छोड़ के भागने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भी तत्पर से तैयार हैं उनको घेरने के लिए। हम लोग भागने नहीं देंगे सर। सीता गीता दोनों आ गई है बीजेपी में, सीता सरन और गीता कोड़ा, आप ही का तो अलायंस का है, इसमें क्या कहेंगे? ये तो आपको बढ़िया आप सवाल पूछे, तो मोदी जी से पूछते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर मधु कोड़ा पर आरोप लगाते आए, उन्हीं का पत्नी गीता कोड़ा, जब मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी थे, 4,000 करोड़ के घोटालेबाज थे, तो उनको अपने में लेने का जरूरत था? जब उनको अपना काम पर भरोसा है, वो विकास किए हुए हैं देश में, तो विपक्ष को तोड़ने का, जगह जगह से सब भ्रष्टाचारियों को अपने में समेटने का कौन सा उनको आपत्ति आ गया है, कौन सा दिक्कत आ गया है? उनको विश्वास है कि अगर नहीं बिटोड़ेंगे, हारने जा रहे हैं, कितनों भ्रष्टाचारी को बिटोर लें, कितनों गुंडा किरमल के बिटोर लें, लेकिन अब दोबारा मोदी जी सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। ये चुनाव जो अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा लेगी, होता तो 100 सीट, और ईवीएम से चुनाव होगा तो 150 सीट में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो गठबंधन है वो सिमटने जा रही है, और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। आप कैसे बोले 100 सीट बैलेट पेपर और 150 सीट, ये समझ में नहीं आया सर। समझ में इसलिए आपको नहीं आया कि बहुत बड़ा धांधली है ईवीएम में, धांधली बहुत बड़ा है ईवीएम से। सब कोई जान रहा है कि मोदी जी इसीलिए नहीं हटा रहे हैं, कोर्ट पर भी दबाव बनाए हुए हैं, हर जगह अपना दबाव बनाए हुए हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाए हैं कि नहीं हटना चाहिए, हटेगा तो भारतीय जनता पार्टी को सफाया हो जाएगा, विपक्ष में बैठने लायक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बचेगी। वो अपना बचाव के लिए ईवीएम नहीं हटा रहे हैं, लेकिन पूरे देश के जनता इस सब बात को समझ रही है, इसलिए अभी तो एक होली हम लोग मनाएंगे, मनाने जा रहे हैं, आप पूरे देश में मन रहा है, लेकिन चुनाव बाद एक और बड़ा इंडिया गठबंधन के तरफ से होली होने वाला है। ये थे हमारे साथ गौरी शंकर जी, इन्होंने बेबाक तरीके से जवाब दिया, और ख़ास करके बीजेपी पर सीता जी और गीता जी के बारे में भी बोले, शोधकांत सहाय जी के बारे में बोले, दीपक प्रकाश जी के बारे में बोले, मतलब बोले, लेकिन वो था मतलब कुछ हंसी के लहजा में दीपक प्रकाश जी को एक बयान अपने तरफ से दे दिए, बहुत अच्छे तरीके से रखे कि कोई माई का लाल नहीं, उसको अपने तरीके से बहुत अच्छे से मतलब खा गए बात को और दूसरा चीज उगल दिए। ये थे हमारे साथ गौरी शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी आपको। धन्यवाद, नमस्कार।